स्टूडेंट्स लास्ट वर्कशीट नंबर एट में हमने पैर ऑफ़ लीनियर इक्वेश इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस नहीं थी वहाँ पे दे वुड हैव मेट सम वेयर अगर हम उनको एक्सटेंड करते हैं so, सो जब भी हम पैर ऑफ़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है द लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन सो वी कैन हैव क्रॉसिंग लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएँ या कॉन्सीडेंट लाइन्स हो जाए ओवरलैपिंग लाइन्स थर्ड पॉसिबिलिटी है लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट न करें दे आर इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ईच अदर जिसको हम बोलते हैं पैरल लाइन्स ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास में हो सकती है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जहाँ पर लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पर वो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका एक सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स में वी हैव यूनिक सोल्यूशन इस केस में जहाँ पे ओवरलैपिंग लाइन्स हैं जितने भी पॉइंट्स इन लाइन पर लाइक करते हैं वो सारे के सारे इसके सोल्यूशंस हैं और वो कितने हो गए इनफाइनाइट हो गए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस फॉर ओवरलैपिंग लाइन्स इस केस में क्योंकि लाइन्स एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट कर रही हो तो यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होता देर इज़ नो सोल्यूशन फॉर ओवरलैपिंग लाइन्स अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए वी हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस आप पहले इक्वेशन लिखते हो फिर उसके सोल्यूशंस निकालते हो फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो देन यू फाइंड आउट द नेचर ऑफ़ द ग्राफ आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जहाँ पर आप 20 से 30 सेकेंड के अंदर बिना ग्राफ बनाए ये पता लगा सकते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा या ऐसा होगा सो आर यू रेडी फॉर दिस शेल वी स्टार्ट ओके लिटल स्टार्ट यहाँ पर देखिए बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए वन आप उसको देखो सो यू राइट डाउन ए वन जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए टू उसको देखो इन दोनों का रेशो लो तो हमने यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू लिया गॉट इट और इसी तरीके से हम नेक्स्ट रेशियो देखेंगे इसकी बी वन अपॉन बी टू की आपने ये रेशियो निकाली बी वन अपॉन बी टू और उसको लिख दिया और इसी तरीके से हम सी वन अपॉन सी टू निकालेंगे और इसको भी हम राइट डाउन कर लेंगे C1 अपॉन सी टू तो बेसिकली हमने क्या किया ये जो इक्वेशंस थी हमारी ए वन एक्स प्लस बी वन आई प्लस सी वन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये दूसरी इक्वेशन है इन दोनों के कोफिशंस का x के कोफिशियंट की रेशो है ये पहली वाली ये y वाली y के कोफिशंस की रेशो है और ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स है इनका हमने रेशो लिया अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है आप ये देखिए जब आपके पास ऐसा केस हो a1 वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू यानी ये दोनों इक्वल ना हो इनके रेशोज़ अगर इक्वल ना हो तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है आप सीधा बस इनका रेशो निकालो जिसको मेंटली भी कर सकते हैं आप देखते ही पता लगा दोगे कि ये ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे अभी हमने बात करी थी एक ही सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन और क्योंकि उसका एक सोल्यूशन है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा ओके सेकेंड केस आपके पास ये हो सकता है कि मान लो कि शायद ऐसा केस नहीं हो आपका इस तरीके का केस हो सेकेंड hmm, वाला केस आपका हो कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है और वो C1 वन अपॉन सी के भी इक्वल है यानी सारे रेशोज इक्वल हैं तो वो आपकी ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस होगी और ओवरलैपिंग लाइंस में बहुत सारे आंसर्स होते हैं मैंने आपको बताया था जितने पॉइंट्स इसके ऊपर लाइक कर रहे हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो गए तो भी कंसिस्टेंट हुआ कंसिस्टेंट तब होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो या तो एक सोल्यूशन हो यूनिक सोल्यूशन या बहुत सारे सोल्यूशंस हो तो हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है ओके okay, सो so आपने देखा कि कितनी जल्दी आपको सिर्फ रेशो के देखते ही आपको उसका इतना सारा उसका नेचर पता चल गया थर्ड केस आपके पास ये भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन इस तरह की दोनों कंडीशंस ना बने ऐसी कंडीशन बन जाए कि ए वन अपॉन ए टू तो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है लेकिन वो सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है थर्ड पॉसिबिलिटी अगर आ जाए तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके की लाइंस और ये लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट ओके गॉट इट सो इज इंट इट वेरी ईजी आप जस्ट एक रेशो निकाल रहे हो उसको फटाफट से आप सॉल्व कर रहे हो सिंपल फॉर्म में एंड देयर यू आर यूर एबल टू नो वॉट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ लेट लेटस्ट अंडरस्टैंड इन हिंदी यहाँ पर हमारे समीकरण है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इस तरीके से आपने उनकी रेशोज़ निकाली तो अगर पहला केस आया कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू है तो हमारी ये काटती हुई रेखाएं बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और यहाँ पर अद्वितीय हल होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम होगा हमारा संगत ये जो रेखाएं होंगी ये इनका युग्म संगत कहलाएगा दूसरा केस आपके पास हो सकता है कि आपकी सारी के सारी रेशोस सब के सब बराबर आ जाएं ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर हो और वो सी वन अपॉन सी टू के भी बराबर हो ऐसे हो तो हम इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं ये परस्पर ढकी हुई रेखाएं होती हैं और इसमें अनगिनत हल होते हैं अनंत हल होते हैं और अनंत हल है तो भी ये संगत हुई क्योंकि हल तो है संगत में तब होता है जब या तो एक हल हो या अनेक हल हो तो हम उसको कहते हैं कि ये जो समीकरण है इनका युग्म संगत है असंगत तब होगा जब कोई भी हल ना हो और उसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है उसके लिए हमारी कंडीशन होती है कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है लेकिन सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है ठीक है लास्ट वाली तो इसको हम बोलते है, हैं समानांतर रेखाएं इस तरह की रेखाएं इसमें कोई भी हल नहीं है और ये असंगत कहलाता है ठीक है समझ आए इसको दो तीन बार आप पढ़ोगे तो ये आपको टेबल लर्न हो जाएगा और टेबल लर्न होने के बाद जैसा मैंने बताया बीस से तीस सेकेंड में या उससे भी कम समय में तुम इस ग्राफ को जान पाओगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में किस तरीके से होने वाला है कितने हल होने वाले हैं और किस तरीके से ये रेखाएं होंगी आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं हम जैसे हम पहला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाली इक्वेशन है तुम्हारी x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास सॉल्ड है अब हम इसको समझते हैं जो x के साथ गुना हो रहा होता है वो उसका कोफ़िशियंट होता है a1 तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हुआ तो a1 वन अपॉन ए अगर मुझे निकालना है तो वो क्या बनेगा एक ये जो x के साथ गुना हो रहा है ये a1 हुआ और यहाँ पे जो x के साथ गुना हो रहा है ये तीन हुआ तो एक बटा तीन ये मेरा a1 हो गया ठीक है इसी प्रकार से मैं बी वन अपॉन बी टू निकालूंगी अगर बी वन अपॉन बी टू तो बी वन क्या होगा हमारा माइनस दो यानी माइनस दो बटा जो वाई के साथ ये चार तो दो बटा चार ये हो गया और सी वन अपॉन सी टू तुम्हारा क्या हो गया एक बटा माइनस बीस ये आपको दिख रहा है एक बटा तीन माइनस दो बटा चार और एक बटा बीस है ना समझ आया तो इस तरीके से हमने इनके कोविशंस लिख लिए आपको ये अच्छे से समझना है कि ए वन क्या है बहुत से बच्चे इसकी रीडिंग में गड़बड़ कर देते हैं ये रीडिंग क्लियर होनी चाहिए ए वन क्या है ए टू क्या है बस एक बार वो माइंड में सेट हो जाए देन इट्स नो प्रॉब्लम अब ये आने के बाद तुमने देखा कि ए वन अपॉन ए टू एक बट्टा तीन है और दूसरा तुम्हारा माइनस दो बट्टा चार है और ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के आप देख रहे हो ना इसको काट के क्या आएगा माइनस एक बट्टा दो तो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या हुआ ये इक्वेशन ये हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी इस तरीके की रेखाएं थी जो एक दूसरे को काट रही किसी ना किसी पॉइंट पे और यूनिक सॉल्यूशन होगा किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे और ये कंसिस्टेंट भी होगा गॉट इट ठीक है आपको उसका ग्राफ बना के नहीं दिखाना ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा ग्राफ बनाने के लिए तो उसके पॉइंट्स चाहिए होते हैं आप सिर्फ ये बताओगे इसका नेचर ऑफ ग्राफ किस तरीके का होगा दूसरे केस में देखो एक्स के साथ क्या गुना हो रहा है टू इसको कर रहे हैं और नीचे वाली इक्वेशन में देखो एक्स के साथ क्या है गुणांक उसका कोफिशिएंट चार है अब आगे देखिए नेक्स्ट है वाई के साथ ए टू हुआ ए बी वन वाई के साथ जो गुना हो रहा है बी वन थ्री वाई के साथ सिक्स सेकेंड वाली इक्वेशन फिर तुम्हारा माइनस नाइन और माइनस एटीन ये सी वन अपॉन सी टू हो गया ये पहला वाला तुम्हारा ए वन अपॉन ए टू हमने लिखा दूसरा बी वन अपॉन बी टू ये तीसरा सी वन अपॉन सी टू अब इसको हम अगर कट करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा इसको कट करेंगे तो वन बाय टू आ जाएगा इसको कट करोगे माइनस से माइनस कट हुआ और ये भी वन बाय टू नौ दुनिया अठारह तो हम देख रहे हैं एक बटा दो बराबर एक बटा दो बराबर एक बटा दो तो आप ये रूल लिखोगे कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आप पहले ये कंडीशन लिख दोगे कि तीनों कंडीशन इक्वल हो गई तो ये कैसा होगा ये क्वाइंसीडेंट लाइन्स होंगी ठीक है और क्वाइंसीडेंट लाइन्स हैं सो देर आर मेनी सोल्यूशंस टू इट इनफाइनल सोल्यूशंस और ये भी कंसिस्टेंट है थर्ड केस से अब थर्ड केस हम ले रहे हैं तो यहाँ पे ए वन क्या है वन वन अपॉन ये क्या है टू बी वन क्या होगा टू और बी टू क्या होगा फोर तो ये तुम्हारा हुआ टू अपॉन फोर बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व इसको कट कर रहे तो सिंपल फॉर्म में है ही इसको कट करेंगे तो वन बाई टू आएगा और इसको कट करेंगे तो ये वन बाय थ्री आएगा सो वी सी दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ठीक है आप ये कंडीशन लिखोगे इस तरीके से ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये तुम्हारी रेखाएं होगी पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन सिंस दे आर नॉट मीटिंग एनी वेर एंड दे आर इनकंसिस्टेंट आल्सो गॉट इट तो बस एक रेशो आपको ठीक प्रकार से लिखनी आनी चाहिए उसमें गड़बड़ नहीं होगी सो so आप अच्छे से उसको निकाल पाओगे ठीक है गॉट इट अब ये वही चीज़ है तुम्हारा हिंदी मीडियम में यहाँ पर मैंने रेशियोज लिख के रखा है वन अपॉन थ्री आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशंस हैं ये इसको सिंपल कर दोगे तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टू सो ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो ये तुम्हारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई अद्वितीय हल हुआ एक ही हल होगा इसका और संगत होगी यहाँ पर हम देख रहे सभी के एक बट्टा दो बराबर एक बट्टा दो ये भी कट के एक बट्टा दो आ जाएगा सभी कैंसिल हो जाएंगे ना दो पे तीन दूनी छः नौ दूनी अट्ठारह सब कटेंगे तो सब इक्वल आ गया तो ये तुम्हारी संपाति रेखाएं हुई अनंत हल हुआ और ये भी संगत हुआ संगत आप देख रहे हो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी है संगत है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट सिर्फ इतना होता है तो आप ये देखो कोई भी दोनों में से कोई भी केस होगा तो संगत होगा थर्ड केस है आपका यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको हम कट करेंगे तो ये वन बाई टू आ जाएगा तो ए वन अपॉन ए टू ये दोनों के दोनों इक्वल है लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ये, तो तो ये तुम्हारा एक बट्टा तीन आ जाएगा चार तीन बारह करके तो ये तुम्हारी समानांतर रेखाएं हो गई और इसका कोई भी हल नहीं होगा और ये कोई भी हल नहीं हुआ तो ये क्या हो गई असंगत हो गई तो इस तरीके से हमने इनको निकालना सीखा ठीक है बच्चों समझ आए ना है ना बहुत आसान और बहुत छोटा सा तरीका है ये तो इस पर कुछ एक्सरसाइजेस करें हम लोग पहला वाला देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा ए वन क्या है ए वन तुम्हारा हुआ टू ए वन ये है जो टू पहली इक्वेशन मैं कर रही हूँ ए वन टू हुआ और ए टू क्या हुआ फोर टू बाय फोर इसने बोला यहाँ पर ये यह लिखो तो इस कॉलम में आप लिखोगे टू अपॉन फोर दूसरे में आप लिखोगे माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स ठीक है बी वन अपॉन बी टू तुम्हारा हुआ माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स और तुम्हारा फिर तीसरा हुआ माइनस एट अपॉन माइनस नाइन तो अब यहाँ पर ये यह देखो तीसरा हो गया माइनस एट अपोनेंट अब आपको देखने की क्या कंडीशंस बन रही है इसको आप कट करोगे तो वन बाई टू आएगा इसको आप कट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल और थ्री टू जे सिक्स वन बाई टू आ गया और सी आपका ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो हमारा आया ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ रहा है बी वन अपॉन बी टू के ठीक है और इट इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आगे वाली दोनों बराबर है लेकिन सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं है तो ये हमारी कंडीशंस क्या होती हैं अभी आपको ठीक से याद नहीं हुआ होगा हम इसको देख सकते कि क्या होती है वो जब ऐसी कंडीशन होती, तो होती है तो वो समानांतर रेखाएं होती हैं पैरल लाइंस कोई हल नहीं और असंगत तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई हल है इसका कोई हल नहीं नहीं कोई हल नहीं कोई हल नहीं कोई हल नहीं और कैसी रेखाएं होंगी ये समानांतर समानांतर रेखाएं होंगी ठीक है थर्ड जो तुम्हारा पॉइंट था तो ये सेम चीज हमारे यहां पर इंग्लिश मीडियम में है तो हम यहां पर बोलेंगे कैसी इक्वेशन हुई है कोई भी हल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है ठीक है इनकंसिस्टेंट असंगत इनकंसिस्टेंट हाउ मेनी सोल्यूशंस नो सोल्यूशन कोई सोल्यूशन ही नहीं है और कैसी लाइन्स हो गई है पैरल लाइन्स हो गई ठीक है गॉट इट अब हम सेकंड पे चलते हैं यहाँ पर अब इसको देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं सेकंड के रेशियोज़ बनाइए सेकंड में ए वन क्या है हमारे पास ए वन है हमारे पास वन बाई टू एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये वन फिर क्या है सॉरी ये वन बाई थ्री हुआ है ना ये हुआ हमारा वन बाय थ्री और बी वन क्या है माइनस टू अपॉन फोर ठीक है और सी वन क्या हुआ यहाँ पर है ही नहीं तो जीरो अपॉन ट्वेंटी ये तीन रेशोज आपके पास आ गए तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कंडीशंस क्या बनी है हम देख रहे हैं ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा एक बटा दो आ जाएगा तो दोनों इक्वल नहीं आ रही तो ये कैसी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी ठीक है और कैसी होंगी इसके हल होंगे हाँ केवल एक हल होगा एक हल ठीक है और कैसी होंगी क्योंकि हल है तो ये क्या होगी संगत तो हम ये बोलेंगे संगत है ठीक है तीनों चीजें हो गई जब हम सेकेंड पार्ट में यहाँ पे इसको जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं सेकेंड जो पार्ट है इसका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग आप इसके रेशियोज निकाल देना ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी और ये कैसे होगा वन सोल्यूशन तो हम बोलते हैं ओनली वन सोल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा इसका और कैसी होगी ये हमारी कंसिस्टेंट होगी ठीक है ना पहले रेशियोज निकाल के हमने देखा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आया ठीक है गॉट इट अब हम करते हैं यहाँ पर इसको थर्ड क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे थर्ड में हमारे पास है एक्स की जगह थर्ड में हम ये ले रहे हैं तो ए वन तुम्हारा हुआ वन ए टू व टू ये तुम्हारा वन अपॉन टू और ये तुम्हारा सिक्स इधर आके माइनस सिक्स हो जाएगा हम इस तरफ लेके आए ना भी लेके आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप देख रहे हो ये भी कट करके आ गया वन बाई टू तो तुम्हारा हो गया ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू वन अपॉन सी टू सब कुछ इक्वल आ गया तो ये तुम्हारी कैसी रेखाएं हुई किस तरह की हुई पैरल लाइन्स हुई तो अब तुम यहां पे बोलोगे सॉरी uh, सब कुछ इक्वल है तो हमारी कैसे हुई कॉइंसिडेंट लाइन्स हुई ये हमारी हुई कॉइंसिडेंट लाइन्स ठीक है कॉइंसिडेंट कॉइंसिडेंट लाइन्स इसको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में मैं लिख रही हूं कि ये तुम्हारी हो गई कोइंसिडेंट लाइंस क्योंकि सारी रेशियोज इक्वल है और उसको हिंदी में बोलेंगे संपाती रेखाएं ठीक है और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने आंसर्स होते हैं बहुत सारे आंसर्स होते हैं तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा अनेक हल असीमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे ठीक है और ये कैसे हुए बहुत सारे सोल्यूशंस हो गए तो कैसे हो गया ये कंसिस्टेंट ठीक है और ये हो गया तुम्हारा इनकंसिस्टेंट और सॉरी संगत ठीक है तो आज की वीडियो में बच्चों हमने क्या सीखा जब भी आपको इक्वेशन दियो तुम उसको ए वन अपॉन ए टू निकालना बी वन अपॉन बी टू निकालना जिसको हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं मेंटली और इनकी कंडीशंस देख लेना अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पहला वाला होगा तुम्हारा कैसा प्रतिचेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस ठीक है और एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट ठीक है दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास होगी कि ए वन अपॉन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर तीनों ही आ गई इक्वल तो हम ये क्या बोलेंगे ये कैसी होंगी ये होंगी तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइंस या या संपाति रेखाएं और इसमें बहुत सारे हल होंगे क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं और ये भी संगत होगा तो दोनों केसेस में ये संगत है यानी कॉन्सिस्टेंट है ठीक है और तीसरा केस तुम्हारा होगा वन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू यह तुम्हारा इनकंसिस्टेंट है या असंगत है यह पैरल लाइन्स का है ठीक है यह तुम्हारी पैरल लाइन्स है दिस इज पैरल लाइन्स ठीक है तो यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा ये तुम्हारी रेखाएं जो होंगी इनको हम हिंदी में बोलेंगे समानांतर रेखाएं तो जस्ट एक रेशोस को देख के आप इसके तीन तीन आंसर्स कर पा रहे हो ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में तीन मार्क्स का दो मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है कभी वो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट पूछते हैं कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी इक्वेशन में वैल्यू uh, को वो वो कर देते हैं सपोज के पुट कर देते हैं और कहते कि अगर इसका इंफाइनिटली मैनी सोल्यूशन हो तो आप इसकी के की वैल्यू क्या होगी आई होप ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे सो so, आज के लिए मैं तुमको ये बोल सकती हूँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो इक्वेशंस दिए इसको ग्राफीय विधि से भी बना के देखो ग्राफिकल वे से इससे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट्स ऑल फॉर द डे ओके हैव अ गुड डे